Hey, what's up guys? This is Sanjeev and welcome back to again my YouTube channel. So guys, आज के इस वीडियो में मैं फिर से आप सभी लोगों को एक NBFC रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन का रिव्यू करके दिखाने जा रहा हूँ. गाइज, ये लोन एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है. बहुत ही कम डॉक्यूमेंट्स में आप सभी लोगों को अच्छा खासा लोन यहाँ से मिल सकता है. गाइज, अगर आपको लोन चाहिए, वीडियो पूरा आखिरी तक देखना. चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा. वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा. साथ ही में गाइज, लोन लेने से पहले कुछ बातों का जरूर ध्यान रखिएगा. अगर आप लोन का टाइम टू टाइम पेमेंट कर सकते हो तभी लोन के लिए अप्लाई करना, तभी लोन लेना. सही में कोई इमरजेंसी होगा, आपको पैसों की जरूरत होगी, तभी लोन लेना. और कोई भी लोन एप्लीकेशन अगर आपको लोन देने से पहले आपसे एक भी रुपया मांगे प्रोसेसिंग फीस या फिर सिक्योरिटी मनी के नाम पे तो बिल्कुल मत दीजिएगा, ठीक है. तो चलिए गाइस, फटाफट से मैं आपको इस लोन एप्लीकेशन का रिव्यू करके दिखा देता हूं. कैसे लोन लेना है, कौन सा है ये लोन एप्लीकेशन, सब कुछ आपको डिटेल में बताने वाला हूं. तो वीडियो पूरा एंड तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा. बहुत इजी तरीके से आप इस एप्लीकेशन के मदद से लोन ले सकते हो. बहुत आपको अच्छा मिल जाएगा लोन यहाँ से देखने के लिए. गाइज, अगर आपको लोन चाहिए तो ले लेना. बाकी अगर आपका सिबिल स्कोर कम है, सिबिल स्कोर खराब है, फिर भी आपको लोन मिल सकता है. लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा अगर आपका सिबिल स्कोर कम है, बहुत ज़्यादा खराब है, तो शायद लोन ना मिले. बट थोड़ा बहुत कम है, थोड़ा बहुत खराब है, 600 है 650 है, तो डेफिनेटली आपको इस एप्लीकेशन से लोन मिल जाएगा. तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं. आपको बताते हैं उस लोन एप्लीकेशन का नाम और पूरा रिव्यू करके दिखा देते हैं. तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं. सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं इसी एप्लीकेशन का रिव्यू करने वाला हूँ, ठीक है. पर्सनल लोन ऐप ऑनलाइन इंडिया, आपको लोन मिल जाएगा इस एप्लीकेशन से. पूरे इंडिया में कहीं भी गेट अप टू 5 लाख रुपीज़, ठीक है. 5 लाख रुपए तक का लोन आपको मिल जाएगा इस लोन एप्लीकेशन से. लो इंटरेस्ट रेट है यहाँ पे, आप देख सकते हो इस एप्लीकेशन का. बाकी थोड़ा सा और नीचे चलेंगे, मिनिमम लोन आपको मिलेगा 5,000, मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का. इन जस्ट टू मिनट्स, मतलब 2 मिनट के अंदर अंदर आपको लोन मिल सकता है. टेन्योर मिनिमम 3 महीना, मैक्सिमम 36 महीना. 100% डिजिटल प्रोसेस है, कोई भी पेपर वाला काम नहीं है. मिनिमल पेपर वर्क है. नो प्री क्लोजर चार्जेस, कोई भी प्री क्लोजर चार्जेस यहाँ पे आपको नहीं देना है, ओके. यहाँ पे देख सकते हो, ये एप्लीकेशन काफ़ी बढ़िया लोन एप्लीकेशन है. NBFC रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है, तो सारे बड़े सिटीज़ में लोन देता ही होगा. बट एक बार आप लोन के लिए अप्लाई करके चेक कर लेना, आपके सिटी में लोन देता है कि नहीं देता है. यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल देके समझाया है कि अगर आपको इस एप्लीकेशन से 50,000 का लोन मिलेगा तो प्रोसेसिंग फीस 2% लगेगा ऑफ द लोन अमाउंट, और प्लस 18% GST लगेगा. टोटल इंटरेस्ट रेट आपका इतना आएगा. इंटरेस्ट आपका साल का पर एनम का है 24%, 24% पर एनम का, ठीक है. 12 महीने के लिए लोन मिलेगा. इतना आपको हर महीना EMI देना है, इतना आपके बैंक में डिस्बर्स किया जाएगा, इतना आपको टोटल रिपेमेंट करना है, इतना प्रोसेसिंग फीस है, इतना GST है, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है. एग्जांपल देके इन्होंने समझाया है, यहाँ पे आप सब कुछ देख सकते हो. बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात अगर हम करें तो सैलरीड आप होने चाहिए, आपकी उम्र 21 साल होनी चाहिए. मिनिमम टेक होम सैलरी आपका 15,000 पर मंथ होना चाहिए. लेकिन अगर आप एक सैलरीड नहीं हो और कहीं किसी बिजनेस से 15,000 पर मंथ कमा रहे हो तो भी आपको लोन मिल जाएगा. आधार कार्ड पैन कार्ड यहाँ पे आपको देना है. डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर अ लोन, तो यहाँ पे आधार कार्ड पैन कार्ड सैलरी अकाउंट बैंक स्टेटमेंट आपको देना है. कोई सैलरी स्लिप नहीं देना है. सैलरी जिसमें आपका आता है या फिर जो भी बिजनेस से आप कमाते हो 15,000 महीने में अगर कमा रहे हो तो उसका बैंक स्टेटमेंट आप लगा सकते हो, ठीक है. उसमें शो होना चाहिए कि हर महीना आपका 15,000 आया है, चाहे बिजनेस से आए चाहे आपका सैलरी आए, ओके. हाउ टू अप्लाई अ लोन, तो यहाँ पे कैसे आपको लोन के लिए अप्लाई करना है. एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना, मोबाइल नंबर डालना, OTP अगर वो डालना, आधार कार्ड पैन कार्ड सेल्फी डाल के लोन के लिए अप्लाई कर देना. अगर आपका लोन अप्रूव हो जाता है तो यहाँ पे 2 मिनट के अंदर अंदर पैसा आपके बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जो भी डिसबर्सल का रहेगा, ओके. थोड़ा सा और नीचे चलेंगे, इंटरेस्ट रेट यहाँ पे स्टार्ट होता है 2% पर मंथ से. प्रोसेसिंग फीस 3% ऑफ द लोन अमाउंट आपका लगेगा. जितने का भी आपका लोन रहेगा उसका 3% प्रोसेसिंग फीस लगेगा. बाउंस चार्जेस यहाँ पे 500 रुपये. अगर आप कोई भी EMI लेट करते हो या फिर कोई भी EMI बाउंस करते हो, नहीं चुकाते हो टाइम से, तो 500 रुपये एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा. APR एनुअल परसेंटेज इंटरेस्ट रेट मिनिमम 16.75% है, मैक्सिमम 74% है. लेट पेमेंट चार्जेस 500 रुपये है, नहीं तो 3% ऑफ द लोन अमाउंट. जितने का भी आपका लोन रहेगा उसका 3% लगेगा, ठीक है. लोन का EMI हो या फिर लोन हो, अब आई डोंट नो ये लोन का है कि लोन के EMI का 3% है, ये नहीं पता. बट हाँ, लोन के EMI का ही 3% होगा, क्योंकि लोन पूरे लोन का 3% काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है. यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे चलेंगे. प्री क्लोजर चार्जेस 0 है यहाँ पे, ठीक है. थोड़ा सा और नीचे चलेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी इनकी लेंडिंग पार्टनर्स हैं, बहुत सारी इनकी NBFC हैं जिनसे ये टाई अप करे हैं,
ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे चलेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो इनका टेलीफोन नंबर है, आप देख सकते हो इनका मेल है, कोई भी दिक्कत है इनके मेल पे संपर्क कर सकते हो, टेलीफोन नंबर जो कस्टमर केयर का है उस पे संपर्क कर सकते हो। ऐप परमिशन की बात करें, कैमरा, लोकेशन, माइक्रोफोन, SMS, अदर सबका परमिशन ले रहे हैं, लेकिन कहीं भी आपसे कॉन्टैक्ट्स या फिर फ़ोन का परमिशन नहीं ले रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, NBFC रजिस्टर्ड एप्लीकेशन कहीं भी आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट या फिर फ़ोन का परमिशन लेते भी नहीं है। सो गाइस यही एप्लीकेशन था, काफ़ी बढ़िया लोन एप्लीकेशन है, अगर आपको लोन चाहिए तो ले सकते हो, काफ़ी कम डॉक्यूमेंट्स में आपको अच्छा खासा लोन देखने के लिए मिल जाएगा। इस एप्लीकेशन से आप लोन लेके कोई भी अपना काम कर सकते हो, जो भी आपको कोई इमरजेंसी अगर आपका फंसा हुआ है, इमरजेंसी में कोई काम फंसा हुआ है, तो डेफिनेटली आप इस एप्लीकेशन से लोन लेके कर सकते हो। एक और लोन एप्लीकेशन अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसका नाम बता देता हूं। तो इसका नाम है गाइस यहां पे 5 इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप, ठीक है, 5 इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप। यहाँ पे बात करें इसकी रेटिंग की, तो 4.4 की रेटिंग है, 10 मिलियन प्लस इस एप्लीकेशन के डाउनलोड्स हैं। 4.4 की रेटिंग है, 10 मिलियन प्लस इस एप्लीकेशन के डाउनलोड्स हैं। गाइज यहाँ से नीचे से ऐसे ऐसे सी ऑल रिव्यूज़ हो जाएगा, सी ऑल रिव्यूज़ करके आप रिव्यूज़ वगैरह पढ़ लेना, रेटिंग वगैरह देख लेना, देन आप लोन के लिए अप्लाई करना, ओके। बाकी गाइज काफ़ी बढ़िया एप्लीकेशन है, अगर आपका सिबिल स्कोर ठीक ठाक है तो आपको डेफिनेटली इस एप्लीकेशन से लोन मिल जाएगा। इससे लोन ना मिले तो एक और लोन एप्लीकेशन है, जिसका लिंक है मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगर आप वो लोन एप्लीकेशन मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के दिए लिंक से डाउनलोड करके लोन के लिए अप्लाई करते हो तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं आपको लोन मिलने के। उस एप्लीकेशन का नाम है ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन। अगर आप मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के दिए लिंक से डाउनलोड करके लोन के लिए अप्लाई करते हो तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत जल्दी आपको लोन मिल जाएगा। ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन में दो तरीके के लोन मिलते हैं। अभी मुझे कुछ दिन पहले ही 3,000 का लोन मिला था, मैं आपको अपने बैंक में पूरा प्रूफ लोन लेके दिखाया था, मुझे लोन के पैसे की कोई ज़रूरत नहीं थी, फिर भी मैं लोन लेके आप सभी लोगों को दिखाया था, ताकि आप सभी लोगों को ऐसा लगे कि हाँ भैया जो मैं लोन एप्लीकेशन बताता हूँ वो सच में लोन देता है, ओके। अब गाइस क्या करना है, ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन में दो तरीके के लोन मिलते हैं, एक लेवल अप लोन, एक कैश लोन। अगर आप कैश लोन लोगे तो हो सकता है वहाँ पे आपको बैंक स्टेटमेंट देना पड़े, क्योंकि ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन आपको स्टार्टिंग में ही कैश लोन ज़्यादा ऑफर करता है, दैट्स वाई आपसे बैंक स्टेटमेंट लेता है। लेकिन दोस्तों अगर आपका सिविल स्कोर सही है तो आपसे बैंक स्टेटमेंट नहीं लेगा ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन कैश लोन में भी। अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट मांग दे और नहीं है तो आप ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन का दूसरा वाला लोन ले सकते हो, जिसको लेवल अप लोन बोलते हैं। लेवल अप लोन आपको स्टार्टिंग में कम मिलेगा, 2-4 हज़ार का ही मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे आप लोन का रिपेमेंट करते जाओगे आपका लेवल बढ़ता जाएगा, टोटल 11 लेवल होते हैं। जैसे आप 11 लेवल पे पहुंचते हो मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक का लोन मिल जाता है, सिर्फ ओनली आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, सेल्फी से। ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन आपको लेवल लोन दे देता है। ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन की सबसे खास बात यह है कि अगर आपका थोड़ा बहुत सिविल स्कोर कम है, थोड़ा बहुत खराब है, फिर भी आपको मिनटों में लेवल लोन दे देता है। लेकिन हाँ, बहुत ज्यादा सिविल कम है, बहुत ज्यादा खराब है तो नहीं देगा, थोड़ा बहुत कम है, थोड़ा बहुत खराब है तो डेफिनेटली आपको लोन दे देगा। सो गाइस लिंक है मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन का डाउनलोड करो, लोन के लिए अप्लाई करो अगर आपको लोन चाहिए तो। थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, बट गाइस आपको मिनटों में लोन दे देता है, ओके। सो गाइस लिंक है मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन का, अगर आपको कहीं से लोन न मिले तो ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन आपको डेफिनेटली लोन दे देगा। सो गाइस यही था आज के इस वीडियो में, आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट यूजफुल वीडियो में, तब तक लीजिए हिंद, वंदे मातरम भाई लोग।